यह है फतेहगढ़ जिले का थाबलान गांव। यहां हम सुखविंदर सिंह से मिले जो कि एक किसान हैं। सुखविंदर ने हमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और कंबाइन हार्वेस्टर के फायदों के बारे में बताया। जी सुपर SMS की एक तकनीक है, नवी पिछे यंत्र लाया मशीन पिछे, जो कि छोटे छोटे कुतरे करके सुट दिंदी है। ये फायदे हैं, पहला नंबर ये नवी बना के रख दी है जमीन पर, तो दूजी यदा फायदे है कि हैप्पी सीडर चलाने लिए आसानी हो जाती है किसान। तीजा यदा फायदा यह है कि ये गुली डंडा बहुत ही घट उगता, तो चौथा यदा एक फायदा होर आ कि पानी की बचत बहुत घट लगती है। तो पांचवा फायदा जो कि प्रदूषण, जो आप पराली अग लाने वह भी लाने की लड़ नहीं पैंती, सीधी अपनी बिजाई कर दो, एक ऑपरेशन ही इसका हैप्पी सीडर चल सकता है। ये हैं पंजाब के फतेहगढ़ ज़िले के किसान मनिंदर सिंह, जो फसल की कटाई के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं। SMS कंबाइन से कटाई करने के बहुत से फायदे हैं, मगर किसानों में SMS कंबाइन को लेकर कुछ भ्रम भी हैं। हमने मनिंदर सिंह से इस बारे में बात की। एक होर बहुत बड़ी है जड़ी भुलेखा अपने किसानों के मन के भी होंगे, डर है जड़ा भी ग्रेन लॉस है जो SMS के नाल होंगे। पर जे आप वधिया SMS लग्या होवे कंबाइन के उत्ते, वधिया इंजन वाली कंबाइना हो जिहड़ियां चक्कर नहीं तोड़दियां हैगियां, तां उहदे नाल अपना ग्रेन लॉस का जिहड़ा डर है वह 100% तक खत्म हो जाता। तो उहदा दूजा बेनीफिट आपां नूं इह वी इक होर हुंदा भी अपनियां जिहड़ी खेत दे विच नमी आ उह वधिया तरीके दे नाल बणी रहिंदी आ। मनिंदर सिंह के मुताबिक पराली को खेतों में खाद के तौर पर बिखेरने से मिट्टी को जैविक खाद मिलती है और इसका फायदा उन्हें मिलने लगा है। SMS नाल बड़े झोने का एक होर फायदा यह हैगा सानू भी, एक तो जिहड़ा वो मल्चिंग है वह बिल्कुल बराबर तरीके दे नाल सारे खेत दे विच खेड़ी हुंदी है, तो नदीन ने जिहड़े वह उहदे विचों बाहर नहीं आउंदे हैगे। नदीना की बहुत ज़्यादा समस्या अपनी इस दे विच सॉल्व हो जाती है। साड़ी लास्ट दे विच यही बेनती है कि तुसीं घट खर्चे दे विच जिवें कि खादा वगैरह घट पा के ज़्यादा जिहड़ा मुनाफा वह तुसीं लै सकदे हो। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसानों ने सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट को अपनाया है। ये है पंजाब का लुधियाना जिला और ये है बलविंदर सिंह। 3 साल पहले इन्होंने अपने गांव में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल शुरू किया। जो भी किसान आ हर एक जानी नवी तकनीक दे टोट के जानता ही आ, पहला अग लाते थे उस मित्र कीड़े मर जाते अपने। हैप्पी सीडर बहुत वधिया तकनीक आ जी, ये बाकी भी नवी दी वधिया रहिंदी है, इहदे करके भी फायदा बहुत है इस चीज़ का। बलविंदर सिंह की तरह ही बलकार सिंह भी किसान है और इनके पास भी हैप्पी सीडर है। हैप्पी सीडर ना बिजाई वेले साढ़े को जो गलतियां हुई पहला हुई ने, जिदा असी पानी ला पहला पानी ला के बाद यूरिया पाते सी फसल नू दब जाती सी, झाड़ का फर्क पिया सी। हुण सानू जिदा यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट तो हौली हौली तजर्बा आ गया कि असी पहला यूरिया पा के उदू बाद पानी लाया, दूजा पानी भी पहला यूरिया पा के पानी लाया, तो फसल साड़ी वधिया हुई और साढ़े झाड़ वधिया होया। तो इदा हुण जिदा बिजाई चल रही है, आप बिजाई मौके भी यूरिया 30-35 किलो पा सकते हैं, फसल में अपने फायदा होगा। अगे असी बिजाई करते ही 10 बजे 10 बज जाते 11 बज जाते ही, यानी सुकदी नहीं पराली उत्तों तेल सुकदी नहीं, ये करके यदा हुण बहुत फायदा वा, यानी टाइम नहीं शुरू 8 बजे तो शुरू काम चल कर देने जी, जो भी कटाई का बिजाई का, तो ये कट वाले भलेटा का बहुत ज़्यादा फायदा होया। अपन ये 15-20% काम वध हुंदा साडा जो आप कंपैन नाल झोना वढ लैने उहदे नाल हैप्पी सीडर नाल मगर दे मगर बिजाई हो जांदी आ। इहदे नाल डीजल की बचत हुंदी आ ते समय की बचत हुंदी आ, इहदे नाल बहुत फायदे ने। ये पंजाब के लुधियाना ज़िले का बग्गा खुर्द गाँव है। जगदेव सिंह इसी गाँव के किसान हैं। वो बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी रेतीली है जो खेती के लिए अपनी अलग चुनौतियां पेश करती है। रेते वाले खेतों जो कणक की बिजाई करनी है हैप्पी सीडर ना बिना अग लाए तो वह जो एक पानी की बचत हो जाती है, रौनी नहीं करनी पैंती, खेत की गिल बनी रहती है, तो पराली रालना खेत की मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है। रेतीली मिट्टी में एक और मुश्किल है कि इसमें पानी नहीं रुकता, जबकि हैप्पी सीडर को नमी की जरूरत होती है। जो रेते वाले खेत ने जरूरी होंगे पानी झोने लेट तक लाओ, कटदे सार जल्दी बीजो कणक, झोना कट्टण ते कणक बीजण च 10-10 दिन का फर्क होवे, 10 होवे 11 होवे 8 होवे 9 दिन, इन्ने क दिन का फर्क रखो, गिल की कोई समस्या नहीं आऊगी। ये खेत पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नूरपुर बेट में हैं। चरणजीत सिंह अपनी मेहनत के रंग लाने पर खुश नजर आ रहे हैं। केवल मेहनत के नाल गल नहीं बननी,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਵਾਧਾ ਆਇਆ, 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ 1 ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖੀ, ਉਨਸੇ ਪਰਾਲੀ ਕੀ ਕਟਾਈ ਔਰ ਗੇਹੂੰ ਕੀ ਬੁਆਈ ਮੇ ਉਨ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ। ਵਿਸਾ ਹਰਿਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਡੰਘਾਈ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੰਘਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਪਾਵੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਨ ਫੁੱਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੋ ਜੀ। ਯਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।